हेलो दोस्तों, मैं हूं जेपी उजाला। जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि मैं पूरे 11th और 12th का फिजिक्स हर एक टॉपिक वन बाय वन आपके सामने लाऊंगा। तो वैसे तो वीडियो आने में बहुत लेट हुआ, बट अब से शायद रेगुलर सारे वीडियोस सारे टॉपिक्स के आपके सामने आते जाएंगे रेगुलर इंटरवल पर। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये दो लेवल में होगा, एक बोर्ड लेवल बेसिक लेवल और एक इंजीनियरिंग मेडिकल लेवल। बोर्ड लेवल के वीडियोस रहेंगे, उसके बाद उसमें से कुछ और एडिशनल टॉपिक्स एप्लीकेशंस ऐड करके वही हो जाता है इंजीनियरिंग और मेडिकल लेवल। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 12th के फर्स्ट यूनिट से। 12th में बहुत सारे ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स को लिया गया है, जैसे फर्स्ट इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म, उसके बाद है ऑप्टिक्स, और उसके बाद है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स तो जैसा कि हम लोग का फर्स्ट ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो कि पूरा एक यूनिट नहीं है, ये बहुत सारा यूनिट, दो तीन यूनिट मिलके ये बना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो जनरली इसको दो तरीके से बांटा जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। वैसे इसको बहुत लोग इस तरह से भी बांटते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। मैंने इसको ऐसे बांटा है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रिसिटी को मैंने दो पार्ट में बांटा है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। और एक्चुअल में मैग्नेटिज्म भी जो है ये डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी का ही पार्ट है, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से एक और छोटा सा पार्ट निकलता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब आप समझिए, ऐसा कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है इसको समझना। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक मतलब वेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज। तो इसका हुआ चार्ज इन रेस्ट और मूविंग चार्ज। और चार्ज तो कई प्रकार से मूव हो सकता है, और चार्ज मूव होना भी एक फेनोमेनन है, उसको भी समझना है, और चार्ज मूव होने से उससे इफेक्ट क्या पड़ता है वो भी समझना है। तो ये जो चैप्टर है, ये जो पार्ट है, ये मूविंग चार्ज के बारे में बताएगा। ये जो चैप्टर है, ये जो पार्ट है, ये बताएगा मूविंग चार्ज के इफेक्ट के बारे में। और ये जो पार्ट है, ये बताएगा कि चार्ज अगर किसी अलग तरीके से मूव करे, अब अलग तरीके से मतलब इसमें चार्ज स्टेडी मूव कर रहा है, स्टेडी कांस्टेंट मोशन कांस्टेंट स्पीड, ये उसी स्टेडी मोशन के चलते इफेक्ट है, ये इफेक्ट है। इस यूनिट में हम लोग इफेक्ट के बारे में जानेंगे। और ये एक्सेलरेटेड चार्ज के चलते प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेटेड चार्ज, और ये तो हमारा चार्ज इन रेस्ट। तो आप समझिए हमारा चैप्टर कैसे बना हुआ है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पार्ट ऑफ फिजिक्स, कैसे चार्ज इन रेस्ट, मूविंग चार्ज के बारे में हम जानेंगे क्या होता है, कैसे होता है, फिर मूविंग चार्ज के चलते इफेक्ट क्या होता है,
और अगर वही चार्ज अलग ढंग से मूव करे, इट मीन्स एक्सेलरेटेड, तो उसका क्या इफेक्ट होता है। तो ये है मेरा पूरा एक पार्ट, ठीक। तो वन बाय वन हम लोग सब कुछ को कवर करेंगे। तो इस पूरे कहानी में आप गौर कर रहे होंगे, अगर कोई चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है चार्ज। आप सब कुछ समझ जाइएगा वन बाय वन अगर आप इसको समझ जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स छोटी सी कहानी है बट आप जान लें तो अच्छा है। इलेक्ट्रो क्या है, क्यों इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज होना शुरू हुआ? इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज होता है, यह बात सत्य है। चार्ज इन रेस्ट, रेस्ट मींस व्हाट? ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर में चार्ज थोड़ा भी मूव ही नहीं कर सकता, करेगा, लेकिन हमें सिर्फ उसके रेस्ट में रहने पे जो जो इफेक्ट होता है उसके बारे में जानना है। उसके मोशन के चलते जो इफेक्ट होता है उसको बाद में जानेंगे। ऐसा नहीं मोशन कर नहीं सकता, करेगा, क्यों नहीं करेगा। तो चार्ज इन रेस्ट। अब इलेक्ट्रो वर्ड जो है, इलेक्ट्रो एक ग्रीक वर्ड, इलेक्ट्रो एक ग्रीक वर्ड, ग्रीक यूनान। तो 1600 BC में थेल्स नाम के एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, नाभिक हुआ करते थे, उन पे उनके ऊपर ये जाता है कि उन्होंने ही ये फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था, लोगों को बताया था। देखिए ऐसा है कि कुछ कुछ चीजें हैं जो कि आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, मैंने भी ऑब्जर्व किया अपने बचपन में बड़े होने पर, बट हमने उतना उस पर फोकस नहीं किया कि ये क्या हुआ और क्यों हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो आप कभी अपना स्वेटर खोलते होंगे तो आपको लगता होगा कि आपके जो शरीर के रोए हैं वो खड़े हो गए, तो लगता है हाँ हुआ हुआ, कोई बात नहीं। बट ये चीज जब कोई और देखता है, जब कोई साइंटिस्ट देखता है या जो इसको ऑब्जर्व करता है वही साइंटिस्ट कहलाता है। तो उन्होंने भी ऑब्जर्व किया एक चीज कि वो अपने नाव से जा रहे थे और तो कहीं किसी टापू के किनारे अंबर, अंबर ये हिंदी है, हिंदी वर्ड अंबर, अंबर नामक एक मटेरियल से उनके नाव का सिरा टकराया, जैसा कहानी है। 600 बीसी कौन देखा था, हमने तो नहीं देखा था। तो नाव टकराया तो उसके किनारे पर जानवर का फर लगा हुआ था, तो उस फर से जब ये मटेरियल रब हुआ तो उन्होंने उस फर में एक देखा कि वो फर अट्रैक्ट हो रहा है उसी मटेरियल की। तो उन्होंने इस चीज को बहुत ही सीरियसली लिया, ऐसा क्यों हुआ, इस पे उन्होंने सोचना शुरू किया। तो उसी मटेरियल को ग्रीक में बोला जाता है इलेक्ट्रॉन, के वाला ग्रीक। तो जब लोग उनसे पूछते थे कि क्या रीजन है ये जो हुआ, इसका क्या रीजन है, तो वो बोलते थे कि इसका रीजन है इलेक्ट्रॉन। यानी उनको क्या लगता था, उनको लगता था कि ये अंबर ही ये मटेरियल है जिसमें जिसमें खास क्वालिटी है कि रब होने से ये हुआ। बट धीरे 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 आगे बढ़ा समय, तो 1400-1500 अराउंड क्वीन विक्टोरिया के जो डॉक्टर थे, डॉक्टर गिलबर्ट, उन्होंने भी ऐसी ही घटना एक देखी। तो
उन्होंने, वो चूंकि कहां के थे, लंदन के थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसी घटना देखी और उन्होंने इस घटना का रीजन चार्ज बताया लोगों को, चार्ज। अब चार्ज क्या है, अब आप एक छोटा सा एक मिनट के लिए, आप लाइफ में हिंदी अगर जानते हैं तो चार्ज का हिंदी होता है आवेश। आवेश ऐसा नहीं है कि आज से शुरू हुआ है, आज से हजारों साल से आवेश वर्ड यूज हो रहा है। आवेश मतलब गुस्सा, एक खास तरह का प्रॉपर्टी के लिए आवेश यूज करते हैं। तो वही उसी तरह कोई आदमी चार्ज लगता है, तो चार्ज क्या है, वो क्या उस पर इलेक्ट्रॉन आ गया, ऐसा नहीं है, ये एक वर्ड यूज होता है हमारे आम बोलचाल में भी। तो उन्होंने जब ये ही घटना देखा, उसका रीजन दिया चार्ज। जिस घटना का रीजन दिया था थेल्स ने, इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहां से आया इलेक्ट्रो और यहां से आया चार्ज, तो इसी दोनों को मिला करके बाद में बन गया इलेक्ट्रिक चार्ज। ये छोटी सी कहानी है। अब इसके बाद भी बहुत कुछ हुआ, इसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन आए। बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, इन लोगों ने क्या देखा, इन लोगों ने देखा कि अट्रैक्शन हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पाए। एक्चुअल में रिपल्सन उन्होंने महसूस ही नहीं किया, उन्होंने सिर्फ महसूस किया अट्रैक्शन। लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन्हीं सब चीजों में, इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स में अट्रैक्शन भी देखा और रिपल्सन भी देखा। तो ये था पूरा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो हम आते हैं लौट के किस पे, चार्ज। तो चार्ज को, इलेक्ट्रो को चार्ज क्यों कहते हैं और क्या क्या भी रीजन है, क्या क्या कहानी है, ये हम लोग बात किए जाने। नेक्स्ट, तो चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज, बहुत मुश्किल है या नहीं तो बहुत आसान। लाइक अब चार्ज, किसी को गुस्सा आ गया, गुस्सा क्या है, एक प्रॉपर्टी है। चार्ज भी क्या है, एक प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी है। अब इसके बारे में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारा यूनिवर्स, हमारा यूनिवर्स क्यों बाउंड है, क्यों हम लोग सब कुछ देख रहे हैं, क्यों कोई चीज पकड़ते हैं उठा लेते हैं कुछ फिसल जाता है, क्यों अर्थ और सन, एक सन अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, मतलब रीजन क्या है। तो अगर आप साइंस में बैठे हैं और हर चीज का रीजन 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 खोजते जाएं, तो आप लास्ट में एक कुछ खास खास चीजों के पास जाके रुकेंगे। उसमें से एक है नेचुरल फोर्स, उसमें से एक है नेचुरल फोर्स। तो लाइफ में जो हमारे साइंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है नेचुरल फोर्स। तो जैसे एक मास दूसरे मास पर एक फोर्स लगाता है, एक नेचुरल फोर्स लगाता है, ठीक, उसी तरह एक दो और फोर्स है नेचुरल, जो कि हमारे पूरे यूनिवर्स को चला रहा है। तो उसी फोर्स में से एक फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसका बाद में हम लोगों ने नाम दिया, वैसे तो ये फोर्स बहुत दिन से है। तो चार्ज क्या है, चार्ज एक प्रॉपर्टी है। मास क्या है, मास भी एक प्रॉपर्टी है। वैसे तो अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मटेरियल को बताने के लिए फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन की है, जो कि मास है। पर मास असल में है क्या, मास एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके वजह से अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है, सिर्फ अट्रैक्शन होता है। जबकि चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्सन भी होता है। तो आप समझिए, तो चार्ज क्या है, चार्ज एक प्रॉपर्टी है। तो अगर हम देखें चार्ज का डेफिनेशन लिखें, चार्ज इट इज अ फंडामेंटल, और इसको कह सकते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पार्टिकल,
ड्यू टू विच अट्रैक्शन और रिपल्सन टेक्स प्लेस। अब ये प्रॉपर्टी कैसा है? प्रॉपर्टी जैसे कि कोई इंसान सुंदर है, ये उसकी प्रॉपर्टी है, उस सुंदरता को देखकर कोई अट्रैक्ट होता है एग्जैक्टली, तो वो इंसान में वो प्रॉपर्टी है। अब वो सुंदर इंसान का नाम ही सुंदर नहीं रख देंगे, सुंदर इंसान में वो प्रॉपर्टी है, तो किसमें रहता है ये प्रॉपर्टी? तो ये रहता है मैटर पार्टिकल्स में। तो लाइक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ज्यादा डीप ना जाते हुए अगर देखें तो पूरा हमारा जो यूनिवर्स है वो तीन ही पार्टिकल से बना हुआ है, उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे अगर नहीं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है। तो इन दोनों में ये वाला प्रॉपर्टी है, जबकि न्यूट्रॉन में ये वाला प्रॉपर्टी नहीं है। मास तीनों में, जबकि चार्ज सिर्फ इस दोनों में है। तो वही प्रॉपर्टी कहलाता है चार्ज, जिसकी वजह से अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है। अब यहां मैं एक दो बात क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत जगह लोग चार्ज का डेफिनेशन कुछ अलग देते हैं, जैसे ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड चार्ज। तो ये सब सही नहीं लगता है, क्योंकि चार्ज तो इलेक्ट्रॉन के पास भी है, चार्ज तो प्रोटॉन के पास भी है। हां, इलेक्ट्रॉन कहीं जाता है तो वो अपना प्रॉपर्टी लेके जाता है, जिसके चलते कि वो ऑब्जेक्ट में भी वो वाला प्रॉपर्टी आ जाता है चार्ज वाला। इसका ये मतलब नहीं कि इलेक्ट्रॉन चार्ज था, इलेक्ट्रॉन के पास वो प्रॉपर्टी था, इलेक्ट्रॉन एक चीज है, उसके पास प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन एक आदमी है, वो सुंदर है, वो गया तो उसका सुंदरता उसके साथ गया। इसका यह मतलब नहीं था कि इलेक्ट्रॉन ही सुंदर है। तो इलेक्ट्रॉन के पास प्रॉपर्टी है चार्ज का, प्रोटॉन के भी पास प्रॉपर्टी है चार्ज का, जिसके चलते कि अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है। तो यह था हमारा चार्ज। अब अगर हम बात करें यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, यूनिट होता क्या है? यूनिट एक ऐसा टर्म है जिससे आप सामने वाले को उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के अमाउंट के बारे में आइडिया देते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम एक केजी सेब खरीद के लाए घर में, बताए एक केजी सेब है, तो ऐसा थोड़ी होगा कि घर में मम्मी को लगेगा कि नहीं नहीं एक बोरी सेब होगा, उन्हें लगेगा चार पांच आठ दस सेब होगा, तो वो उस यूनिट को समझते हैं। तो हम फिजिक्स में भी सामने वाले किसी को बोलेंगे एक मीटर कपड़ा लाए, तो वो समझेगा ना कि एक मीटर कपड़े से क्या होगा, हाफ शर्ट मुश्किल से बन जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा एक मीटर कपड़े से पूरे घर का शर्ट बन जाएगा, तो वो समझता है कि एक मीटर क्या है। तो उसी तरह यूनिट क्या होता है जिससे कि हम समझा सके कि वो अमाउंट क्या है। तो अब चार्ज का यूनिट क्या है? ऑब्वियसली यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। अब सोचिए कि SI यूनिट ऑफ चार्ज कूलम, अब सच सच बताइए क्या आप बता सकते हैं कि एक कूलम कितना होता है? जैसे आप एक किलो से बता सकते हैं, एक मीटर कपड़ा बता सकते हैं, तो क्या आप बता सकते हैं एक कूलम कितना होता है? नहीं बता सकते हैं, हम भी नहीं बता सकते हैं। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि एक कूलम है क्या, कितना, हाउ मच। तो बहुत बच्चे याद कर लेते हैं एक कूलम, लेकिन वो समझते नहीं। तो कोई भी चीज कैसे किसी का यूनिट डिफाइन होगा? तो या तो आप उसी से लोगों को समझा दीजिए, या नहीं तो किसी दूसरे यूनिट से जिसको लोग समझते हैं उसके बेसिस पे इसको डिफाइन कीजिए। तो जैसे मैं डिफाइन कर रहा हूं या लोग डिफाइन करते हैं, एक कंडक्टर है, इससे
1 एम्पीयर करंट पास हो रहा है 1 सेकेंड के लिए। तो जितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो किया, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, तो जितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो किया वो अगर चार्ज को एक साथ जमा किया जाए तो दैट इज 1 कूलम। अब ये 1 कूलम समझने के लिए आपको 1 एम्पीयर समझना पड़ेगा। 1 सेकेंड तो आप समझते हैं, मैं बोलूंगा 1 सेकेंड तो आपको अंदाजा लग जाएगा। आपको अंदाजा लगना चाहिए, आप अगर साइंस के स्टूडेंट है तो हर यूनिट का आपको अंदाजा लगना चाहिए, तभी आप उसका एहसास कर पाएंगे, अदरवाइज एहसास नहीं होता है। तो 1 सेकेंड समझते हैं, 1 एम्पीयर। तो जब आप करंट चैप्टर पढ़ेंगे, मैग्नेट चैप्टर पढ़ेंगे, तो हम 1 एम्पीयर को भी एहसास कराने की आपको कोशिश करेंगे। बाय द वे यह एक फंडामेंटल यूनिट है, इस फंडामेंटल और इस फंडामेंटल यूनिट के रिस्पेक्ट में हम डिराइव यूनिट लाए हैं जो कि है 1 कूलम। तो इससे हमारा ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज पता चल गया कितना, 1 कूलम। तो अब यहां से एक कंफ्यूजन होता है, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिससे कि 1 कूलम। तो लोग को लगता है कि इलेक्ट्रॉन गया ना तो 1 कूलम चार्ज हुआ, इसलिए इलेक्ट्रॉन ही चार्ज होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन चार्ज का अमाउंट लेके गया है, इलेक्ट्रॉन अपना गुण लेके गया है, इसलिए यहां पर इतना गुण जमा हुआ। इसका ये एकदम मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ही चार्ज, 1 कूलम चार्ज है, 1 एम्पीयर करंट 1 सेकंड तक आया, 1 कूलम चार्ज हुआ। अब एक ही यूनिट है क्या? नहीं, और भी यूनिट्स हैं, जैसे सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट है ESU, इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट, इसी को बोलते हैं स्टैट कूलम। क्या बोलते हैं? स्टैट कूलम। ठीक, तो दूसरा है एक EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट एयर कूलम। तो 1 स्टैट कूलम क्या होता है? 1 स्टैट कूलम बहुत छोटा यूनिट है, बहुत 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 छोटा यूनिट है, जिसको कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि 1/3 × 10⁻⁹ कूलम इक्वल टू 1 स्टैट कूलम। 1/3 × 10⁻⁹ कूलम इक्वल टू 1 स्टैट कूलम। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए 1 सेकंड के लिए। जैसे 1 कूलम ले लिए, उसका टुकड़ा किए, कितना, 3 × 10⁹ टुकड़ा किए, 1 कूलम लेकर के उसका 3 × 10⁹ छोटा छोटा टुकड़ा किए, तो वो हुआ हमारा 1 स्टैट कूलम। एब कूलम, आई थिंक आप देख लीजिएगा क्या कि 1 एब कूलम जो होता है वो 10 कूलम इक्वल टू होता है 1 एब कूलम। एक और यूनिट होता है सीजीएस, बस यही है, ये सबका कोई नाम नहीं है, ठीक है। एक और यूनिट होता है जिसको बिजनेस यूनिट कहते हैं या कॉमर्शियल यूनिट कहते हैं, एम्पीयर आवर। तो 1 एम्पीयर करंट 1 आवर कर गया, 1 एम्पीयर करंट 1 सेकंड गया था तो 1 कूलम, 1 आवर गया यानी 3600 3600, यानी कि ये किसके बराबर होगा, 3600 कूलम के बराबर। एक और यूनिट होता है फैराड। ये आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 9650 शायद, इतना कूलम
होता है वन फला। चेक कर लीजिएगा ये सब केमिस्ट्री में, देख लीजिएगा आपको मिलेगा वन फला। तो ये सब क्या है, यूनिट्स ऑफ चार्ज। अब इतनी कहानी के बाद हम कहां पहुंचे, चार्ज तो हम समझ गए हैं कि चार्ज किसको कहते हैं, और सॉरी चार्ज एक प्रॉपर्टी है, चार्ज एक प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी रहता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर नेचुरली, नेचुरली इन द सेंस उसको ऊपर वाला देख के भेजता है वो प्रॉपर्टी। अब ये इसमें तो इलेक्ट्रॉन भी होगा और प्रोटॉन भी होगा, अगर इसको रब किया जाए, अगर इसको रब किया जाए तो देखते हैं कि ये चार्ज हो जाता है। आप रब करके ऐसे करें तो आपको लगेगा कि आपका रोआ खड़ा हो रहा है, ठीक है, और अगर आप कागज के छोटे टुकड़े को लेके देखें तो आपको लगेगा कि वो टुकड़ा ऊपर उठ रहा है। तो ये सब है क्या हमारा चार्ज का प्रॉपर्टी, चार्ज जो प्रॉपर्टी है वो क्या क्या कर सकता है, तो अट्रैक्ट कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है। तो इन सब पूरे कहानी के बाद हम पांच इंपॉर्टेंट चीज पे पहुंचे हैं, हम वो आपके सामने लिख रहे हैं। एक है चार्ज, एक है चार्ज ऑब्जेक्ट, एक है चार्ज्ड पार्टिकल। पहले पार्टिकल कर देते हैं फिर ऑब्जेक्ट कर देते हैं, फिर न्यूट्रल पार्टिकल और लास्ट में न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। चार्ज, चार्ज पार्टिकल, चार्ज ऑब्जेक्ट, न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। अब चार्ज क्या है, चार्ज एक प्रॉपर्टी है। चार्ज पार्टिकल क्या है, चार्ज पार्टिकल वह पार्टिकल जिस पे ये प्रॉपर्टी है, जो हमारा बेस्ट है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा बीटा इटीसी। चार्ज ऑब्जेक्ट क्या है, चार्ज ऑब्जेक्ट क्या है, तो जो ये हम रब किए ये चार्ज हो गया, तो ये हो गया मेरा चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। कैसे चार्ज हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से ये चार्ज्ड हुआ, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर आया होगा कहीं से तो कुछ चार्ज लेके आया होगा। चार्ज ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट which has property of charge, neutral particle, the particle which is uncharged, neutral, like neutron, atom, neutral atom, neutral object, normally pen, pencil, normally ये सब क्या है, neutral object। अब है कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज होता कैसे है, तो हर ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में न्यूट्रल ही है, हर ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में न्यूट्रल ही है, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट एटम से मिलकर बना हुआ है, एटम न्यूट्रल है। अब क्यों है एटम न्यूट्रल, क्यों, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो नंबर होता है वो सेम होता है। ऐसा क्या है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर में, हाँ अब आता है बात कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या देखा गया, वो देखा गया माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। कूलम यूनिट डिफाइन कर चुके हैं, इतना अमाउंट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन पर रहता है, जिसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं माइनस ई। ई एक अमाउंट है, इस अमाउंट को कहते हैं ई। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन मत समझ लीजिएगा। अच्छा, ये हुआ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये निगेटिव का क्या मतलब हुआ, निगेटिव का मतलब आपको पता चलेगा चार्ज ऑफ प्रोटॉन जानने के बाद,
चार्ज ऑफ प्रोटॉन है प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इसको आप लिख सकते हैं प्लस ई। ये नहीं सोचना है कि प्लस पी लिख दे, ना ना, प्लस ई। अब ये है माइनस, ये है प्लस। कैसे पता चला कौन सा होता है माइनस कौन सा होता है प्लस? ये अज्यूम किया गया है। ये क्या किया गया है? अज्यूम किया गया है एक को माइनस एक को प्लस। बेंजामिन फ्रैंकलिन यही चीज किए थे, इसको नहीं किए थे, बट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि दो दो तरह का चार्ज होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो एक्चुअल में पॉजिटिव निगेटिव यहां कुछ नहीं है, बस बात यह है कि एक के अपोजिट दूसरा है, एक के अपोजिट, एक का जस्ट अपोजिट। लाइक आप नॉर्थ साउथ जानते थे, कोई अगर दे देता कि इलेक्ट्रॉन के पास ईस्ट चार्ज है और प्रोटॉन के पास वेस्ट चार्ज है तो कुछ गड़बड़ नहीं होता, सब कुछ ठीक ही होता, जस्ट अपोजिट को बताने के लिए। तो इसका कोई मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस नहीं है इस माइनस का, और इस प्लस का भी कोई मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस नहीं। ये जस्ट दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, इसीलिए एक का नाम है माइनस, एक है माइनस, एक है प्लस। तो अब आते हैं न्यूट्रल। अब क्यों है ये न्यूट्रल? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल हैं, तो वो क्या होंगे? न्यूट्रल। क्यों होंगे? क्योंकि ये दोनों देखिए एग्जैक्टली सेम चार्ज, और अगर माइनस प्लस है दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, जब दोनों पास आया तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो ये बन गया न्यूट्रल। तो ये है हमारा न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो फिर चार्ज ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होगा? चार्ज ऑब्जेक्ट का मतलब होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। चार्ज ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होगा? चार्ज ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब इसमें दो संभावनाएं हैं, एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेसर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब क्या हुआ? यानी कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो निगेटिव वाला चीज ज्यादा है, निगेटिव वाला चार्ज चीज ज्यादा है, इसको बोलेंगे निगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेसर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो इसको बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट और पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। तो अच्छा, तो क्या हो सकता है, कैसे इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा होगा? तो ये हम पढ़ेंगे, ये जो चीज पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रॉन कैसे कम ज्यादा होगा, ये मेथड ऑफ चार्जिंग में पढ़ेंगे। यानी अब हमारा रास्ता आगे खुल रहा है कि क्या पढ़ना है अब नेक्स्ट। तो भैया हम समझ गए कि क्या चार्ज होता है, क्या पॉजिटिव चार्ज होता है, क्या निगेटिव चार्ज होता है। तो अब हमारा है कि कैसे होता होगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसमें इलेक्ट्रॉन कम है। तो जो भी चीज हम लोग, जो भी चीज हम लोग चार्ज और पॉजिटिव और निगेटिव के बारे में बात करते हैं, उस सब में जो मेन हमारा है इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला, वो है इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि ट्रांसफर अगर किसी चीज का हो सकता है तो वो इलेक्ट्रॉन का ही हो सकता है, क्योंकि प्रोटॉन है वो नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर है। तो जब प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है तो ट्रांसफर किसका हो सकता है? इलेक्ट्रॉन का हो सकता है। तो ये जो नेगेटिव है और पॉजिटिव है, इसके लिए जो हम लिखते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स causes negatively
चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट बनाया, और डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की कमी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉजेस पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। तो नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट, पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट हम लोग समझ गए, ठीक है। अब है कि ये चार्ज किया कैसे जाता है, तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा मेथड ऑफ चार्जिंग पे, वो किस पे होगा, मेथड ऑफ चार्जिंग। तो कैसे किसी से इलेक्ट्रॉन निकाला जाए या कैसे किसी में इलेक्ट्रॉन डाला जाए, तो हमारा ओवरऑल इसमें क्या क्या हम पढ़े कि चार्ज होता क्या है, कैसे पॉजिटिव चार्ज होता है कोई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, पार्टिकल क्या है, ये सब समझना बहुत जरूरी है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या चार्ज पार्टिकल में अट्रैक्शन होता है, हम लोग भी बचपन में या बच्चे अभी भी बोलते हैं कि चार चार्ज के बीच अट्रैक्शन होता है, चार चार्ज के बीच अट्रैक्शन नहीं होता है, चार्ज उस अट्रैक्शन का कारण है, चार्ज उस अट्रैक्शन का कारण है, अट्रैक्शन और रिपल्सन ऑब्जेक्ट में होता है, पार्टिकल में होता है, उसका रीजन है चार्ज। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, उसका रीजन है मास। तो इन सब चीजों के लिए हम लोग समझ गए सब कुछ, चार्ज पार्टिकल, चार्ज ऑब्जेक्ट, न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट और चार्ज, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। थैंक यू।